होता है, और आप लॉक करके आप जैक करके डिफेंस का एक एंट्री है उसमें भी आप जा सकते हो। हाँ बिजनेस स्टडीज में भी जा सकते हैं। इंजीनियरिंग की डिग्री है 4 साल की, इंजीनियरिंग की जो 4 साल की डिग्री है उसके बाद एक कोर्स है जिसका नाम है आई नीट, ये लिख लो आप आई नीट, ये आई नीट करके एक एग्जाम होता है जिससे आप नेवी का टेक्निकल एंट्री में जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर स्टूडेंट वीक है तो भी वो एनडीए का उसको 4 बार आइटम मिलता है। जब बच्चा 10th के बाद हमारे पास 11th के लिए आते हैं तो हम लोग 10th का, 11th का और 12th का पढ़ाते हैं, तो तीनों साल अगर उसको 4 आइटम में 1 मरतबा तो डेफिनेटली निकलेगा अगर वो सीरियसली पढ़ता है। हाँ देयर आर मेनी एग्जाम्स, आप अगर हर सारे बच्चे एनडीए में नहीं जाते आपको भी पता है, लेकिन एनडी के अलावा आपको क्लास 1 ऑफिसर के बहुत सारे एग्जाम होते हैं, तो सारे एग्जाम में जा सकते हैं। अभी बीच में मैंने एक पैम्पलेट बनाया था, आप सीबीआई के लिए भी काम कर सकते हैं, सीबीआई, आप रॉक के लिए भी काम कर सकते हैं, रॉक के लिए, आप आईबी के लिए भी काम कर सकते हैं, आईबी के लिए भी आप काम कर सकते हैं। आप फार्मा, फार्मा कंपनी में जाके आप लोग फार्मा सोचते हैं कि सर अपना मेडिकल का दुकान डाले, नहीं, आपको पता है क्या जो हम लोग खाते वो हलाल या हराम है वो चेक करने के लिए जो जूस यूज करते हैं ना, वर्ड है, वो वर्ड है कोशर, ये खाना का जो जिसमें कोशर लिखा होता है ना वो खाना खाया जाता है। उसी तरह से इंडिया में देखो ऐसा ग्रीन कलर का सिंबल आता है वेज, जैसे अभी कैडबरी का चॉकलेट पतला आता है लेकिन अगर फॉरेन चॉकलेट होता है तो बड़ा होता है, तो वो फॉरेन चॉकलेट में एनिमल फैट होता है। तो इसके बारे में हम लोग क्या खाते नहीं खाते उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी में अभी आप बहुत सारा आपका करियर बना सकते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कहाँ पूछते हैं, ये आफ्टर 12th के जो ऑप्शन है ना, ये अगर किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है तो किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है ना तो नीट का भी एग्जाम दे सकते हो। नीट देके आप आर्मी में भी जा सकते हो, उसका नाम है एएफएमसी, एएफएमसी का फुल फॉर्म है आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। अगर आपको नर्सिंग करना है ना तो ये नर्सिंग भी बहुत खिदमत अंजाम है, आप आर्मी में और एयरफोर्स में और नेवी में भी आप नर्सिंग कर सकते हैं। बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज है, किसी ने अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो पढ़ लिया ना तो आपको बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी में भी आप जा सकते हैं, लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। फॉरेन कंट्री में लैब टेक्नीशियन को बहुत ज्यादा स्कोप है, बॉटनी का अलग है, जूलॉजी का अलग है, माइक्रोबायोलॉजी का अलग है। डॉक्टर में आप एनिमल डॉक्टर भी बन सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बन सकते हैं, होम्योपैथी भी बन सकते हैं और प्लेन एमबीबीएस भी बन सकते हैं, और वेटरनरी डॉक्टर भी बनता है। बहुत वेटरनरी डॉक्टर में बहुत सारे लोगों को बहुत इंटरेस्ट है। हाँ और उसमें स्पेशलाइजेशन किया तो कभी भी याद रखो 4+2 है, एमडी बनना है, एमएस बनना है, गायनाकोलॉजिस्ट बनना है, उसका भी अलग अलग स्कोप है। अभी आपको पता है कि आप पीएचडी भी कर सकते हैं, कैलिकट में एक यूनिवर्सिटी है आईआईएम करके, अगर आपको अच्छा मार्क्स मिला है और आपने एग्जाम दिया तो हर महीना आपको 46,000 रुपीज वो लोग आपको ये देते हैं, पेमेंट देते हैं, स्टाइपेंड देते हैं, पढ़ने का पैसा गवर्नमेंट देती है।
अगर आप पढ़ना चाहते हो तो, ये कितने लोगों को पहली बार मालूम पड़ा, झूठ है। गवर्नमेंट खुद आपको पढ़ने का पैसा देती है, ये भी मालूम होना चाहिए। कोई क्वेश्चन आपको पूछना है? यस, आईबी में रॉ में जाने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके लिए आपको अलग से बात करो, मैं उस पर बात करेगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, एमपीएससी और यूपीएससी का एग्जाम होता है, उसमें वो एग्जाम क्लियर करते हुए होता है आपको, यूपीएससी के एग्जाम से होता है। जो बच्चा एनडीए पढ़ लिया, सीडीएस पढ़ लिया, उसके लिए यूपीएससी पढ़ना भी आसान हो गया। इस पे और कोई क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है? ये देखिए, आर्ट्स, किसी बच्चे ने अगर आर्ट्स लिया, लोग समझते हैं कि आर्ट्स लेके फायदा नहीं है, आर्ट्स लेके आप आईआईटी भी जा सकते हैं। कितने लोगों की बात मालूम है कि आर्ट्स लेके भी आप आईआईटी जा सकते हैं, आप बीए कर सकते हैं, बीए साथ में एनसीसी का कोर्स करने का। कितने लोगों को एनसीसी का फुल फॉर्म मालूम है? क्या है एनसीसी का फुल फॉर्म? नेशनल कैडेट कॉर्प्स। आपको सी सर्टिफिकेट दे, 3 साल का कोर्स कर तो सी सर्टिफिकेट मिलेगा। सी सर्टिफिकेट मिला है तो गवर्नमेंट जॉब का भी कोटा है, डायरेक्ट आपको कॉल आता है, डायरेक्ट आपको एसएसबी का कॉल आता है। कितने लोग एसएसबी का बताया? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, आपको डायरेक्टली कॉल आ जाता है। लॉ पढ़े आप, इकोनॉमिक्स पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, लिटरेचर पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, सोशियोलॉजी पढ़े, फिलोसफी पढ़े, एक टॉपिक है जिसको बहुत इंपॉर्टेंस है, एथिक्स। हाँ, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एथिक्स। यूपीएससी में आपको एथिक्स नाम का एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। फॉरेन लैंग्वेज जितना पढ़ लिया ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी ने चाइना का एग्जाम है और वो चाइना के एग्जाम का नाम है, चाइना में एग्जाम होता है गाओकाओ, और चाइना का लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम है गाओकाओ, उसी तरह चाइना का जो लैंग्वेज है ना उसके लिए बहुत मार्केट है, उसका नाम है मैंडरिन। ये चाइनीज लैंग्वेज है मैंडरिन। अगर आपने चाइनीज लैंग्वेज सीखा तो भी आपको बहुत सारा करियर में बहुत इंपॉर्टेंस है। मास कम्युनिकेशन पढ़ लिया तो आप जर्नलिज्म में जा सकते हैं। अभी मीडिया की वजह से जर्नलिज्म को भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वीडियो गेम्स खेलते हैं ना, जो बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं उनको पता होना चाहिए गेमिंग में भी मैथ्स होता है। ये जो है ना AI जो मैं लिख रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस है। कितने लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना है, या मशीन लर्निंग के बारे में सुना है, या आपने डाटा साइंस के बारे में सुना है, हैकिंग के बारे में सुना है क्या? हैकिंग के बारे में, ये सब इसके अंदर सब हुनर लगता है, सलाहित लगती है। साइबर सिक्योरिटी सुना है? साइबर सिक्योरिटी आपने अगर बीए किया तो भी आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, एनिमेशन और गेमिंग में भी आपको मैथ्स लगता है। किसी को गेमिंग पढ़ना है तो उसको भी मैथ्स करना पड़ेगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो गया, गेम डिजाइन हो गया, ग्राफिक डिजाइन हो गया, खाना बनाने का जो है ना होटल मैनेजमेंट, उसके लिए भी अभी एंट्रेंस एग्जाम हुआ है। आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेंगे। एक चीज है लेवरेज, स्कूल सिनेमा करके भी है, स्कूल सिनेमा कि सिनेमा के माध्यम से आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है। जो जो चीज दिखती है ना वो बिकती है, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ, टॉप 10 टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड, उसमें सबसे पहले गांव का आता है, फिर आईआईटी का एग्जाम आता है, फिर यूपीएससी आता है, फिर जीआरई आता है, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम, सीएफए आता है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस, फिर सिस्को का एक एग्जाम होता है, फिर गेट का एग्जाम होता है। वेरी गुड, मैंने पहले कहा ना कि आपको अगर अब्रॉड जाना है ना तो आपको सैट का एग्जाम देना पड़ता है, मैट का एग्जाम देना पड़ता है, आपको एलसीटी का एग्जाम देना पड़ता है। ये सारे एग्जाम स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट,
ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट। और LCT का फुल फॉर्म है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट। बोलो मैडम। मैंने ये सब डाला नहीं अपने GRE GMAT PT जो अब्रॉड जाने के लिए ना गुजरात के बच्चे अक्सर अब्रॉड जाते हैं, तो ये GRE का एग्जाम है, GMAT का एग्जाम है, IELTS उसका कॉम्पिटर डाला आपने, IELTS है, TOEFL है, ये सारे एग्जाम देने से बाहर जा सकते हैं। इसको 6 to 8 का बैंड मिलना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डालना है। Yeah, we are going to take lectures. Every time we take lectures and we are always updating our PPTs. So all the time we'll be updating the PPTs. हम लोग हमेशा अपडेट करते रहते हैं। ये गुजरात का एक इंस्टीट्यूट है, उनके लिए हम लोग ये लेक्चर रखे, तो हमेशा अपडेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं, अपस्किल करते हैं, पैटर्न्स को हमेशा बताते रहते हैं, तो जो जो नया नया चीजें आते हैं हम बताते रहते हैं और डेफिनेटली बार बार बताएंगे, एक सिंगल PDF में आपसे शेयर भी करेंगे। ये सारे कोर्सेज होते हैं आपके BCom के बाद, ये BBA 12th के बाद BCom का कोर्स हो गया, आपका BBA हो गया, BBA का फुल फॉर्म किसको बताया गया, BCA का फुल फॉर्म बताया गया, मैनेजमेंट स्टडीज है BBA में, अभी हम लोगों ने हमेशा बताया IIM का इंदौर है, 100 सीट्स है, और रांची है, और रोहतक है, और बोध गया है, इंदौर हो गया, रांची हो गया, रोहतक हो गया, बोधगया हो गया और जम्मू हो गया, ये 5 कॉलेज है जिन बच्चों ने अगर 12th 8 से किया है या कॉमर्स से किया है या 8 से किया हो या साइंस से किया हो, वो एग्जाम देना है, उसका नाम है IPM का एग्जाम। अगर आपने एग्जाम दिया ना तो आपको 3 साल BBA के हो गए और 2 साल आपके MBA के हो गए, आपको 5 साल में 5 years में आपको बेल्जियम का एक डिग्री मिलेगा, आपको USA का एक डिग्री मिलेगा, UK का एक डिग्री मिलेगा और इंडिया का IIM का डिग्री मिलेगा। तो ये बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता नहीं है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम देंगे तो 100% मार्क्स रहेगा तो ये आपको लेते हैं, लेकिन आफ्टर 12th भी आपका बच्चा जा सकता है। देयर आर मेनी ऑफिसर लेवल एग्जाम इन रेलवेज, डेफिनेटली यस। जो बच्चा कॉमर्स करता है वो CA का एग्जाम देते हैं, CA फाउंडेशन का क्लास हम लोग भी लेते हैं, कंपनी सेक्रेटरी का भी होता है और सर्टिफिकेट हो ना फाइनेंशियल एनालिसिस का एग्जाम भी होता है। ये फाइनेंशियल एनालिसिस का एग्जाम ये top 10 एग्जाम में से एक एग्जाम है, इतना टफ होता है वो। मास कम्युनिकेशन करके आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, और मैंने कहा ना लॉ करके भी आप क्लैट का एग्जाम देना, क्लैट का और जैक करके एक एंट्री है, ये डिफेंस में भी जा सकते हैं आप लॉ करके, और एक लॉ है जिसको हम कॉर्पोरेट लॉ बोलते हैं जो बहुत फेमस है और बहुत पैसा भी है उसमें, क्योंकि अभी कॉपीराइट्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। हाँ वेरी गुड आकाश, मैं हमेशा इसके बारे में बात करता हूँ, एक्चुअरियल साइंस, ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं क्या ये क्या होता है एक्चुअरियल साइंस। बॉम्बे में गोवंडी में एक इंस्टीट्यूट है, इसका भी एडमिशन हो सकता है। जिन्होंने ज्योग्राफी का टेस्ट दिया था 12 का टेस्ट बोले तो गर्दी कम है, तो भैया मारे ज्योग्राफी का टेस्ट का रिपोर्ट निकल के अनाउंस कर, जिसको नहीं दिया उनको देने को लगा। अच्छा अभी ये देखो, ये जो ट्रबलसम टाइम्स में है ना, गवर्नमेंट जॉब्स आर एक्चुअली द ओनली रिलायबल एंड स्टेबल जॉब ऑप्शंस, क्योंकि आपको एक आदमी को 30,000 रुपए मिलते हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो फोटो डालना चाहिए था, और प्राइवेट जॉब में 60,000 रुपए मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट वाला जो जॉब है ना उसमें वो महाराजा रहता है, अपने खुद का मालिक रहता है, प्राइवेट जॉब में उसको गुलामी करना पड़ता है। तो आपको डिसाइड करना है कि गुलामी करना है कि आपको महाराजा जैसा रहना है। तो गवर्नमेंट जॉब में आपको सैलरी कम रहता है लेकिन आपका लाइफ अच्छा रहता है। एक आदमी का जो मुख्तसर जिंदगी है 60 to 65 years है, हमारे प्रॉफिट ने कहा कि ये इससे जो मिलेगा वो बोनस है, तो पढ़ाई में निकल जाती है 20-21 साल,
फिर अगर आप जॉब करेंगे उसमें आपको ब्रेन ड्रेन करेंगे तो आप आगे बढ़ नहीं सकते, उसके लिए अच्छा है कि आपको गवर्नमेंट का जॉब मिले। तो किसी भी रेलवे के एग्जाम में कोई बच्चा पूछ रहा था एग्जाम के बारे में, ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वाला जो एग्जाम रहता है उसमें चार चीज रहती है, एक तो जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग, उसको हम लोग रागा बोलते हैं, रागा रागा है डीडीसी है, हमारा स्पेशल लेक्चर होता है इस पर। आरए मतलब क्या बोलो ना, आरए मतलब रीजनिंग एंड अवेयरनेस, और जे मतलब जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड अवेयरनेस। तो इसका हम लोग 40 मिनट का रोजाना लेक्चर लेते हैं, इसको आप इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं, इंटेलिजेंस। ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा, और हम लोग मैथ्स तो पढ़ाते ही है, मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है, और इंग्लिश। ये चीजें होने के बाद ही आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, याद रखो। इसके बारे में आपको कुछ पूछना है क्या? रेलवे का एग्जाम अगर आप पढ़ रहे हैं तो चार चीजें हैं, एक तो आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना पड़ता है, जनरल नॉलेज मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है, जनरल इंटेलिजेंस पढ़ना पड़ता है, और रीजनिंग पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट देखो, ये सारे एग्जाम्स हैं, क्या क्या एग्जाम्स है बताओ। आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, इसके लिए आपको इंजीनियरिंग करना पड़ता है, एनटीपीसी का फुल फॉर्म निकल रहा है, एनटीपीसी का फुल फॉर्म डाल ग्रुप में। ग्रुप डी का भी एग्जाम होता है, ये क्लास वन एग्जाम ही है, क्लास टू भी है, क्लास थ्री एग्जाम भी होता है, क्लास फोर भी लिया ना तो गवर्नमेंट जॉब अच्छा है। अगर किसी को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है, वो आर्ट से पढ़ रहा है और आपको टेंथ के बाद या ट्वेल्थ के बाद उसको जॉब करना जरूरी है, लेकिन उसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। टेक्नीशियन बन सकता है वो, स्टेशन मास्टर को पता है आपको 46,000 पेमेंट है, सिर्फ झंडा लाना पड़ता है। इसका फुल फॉर्म क्या पता है किसी को? ईसीआरसी। सेक्शन इंजीनियर्स लगते हैं, गुड्स गार्ड है, कोस्ट गार्ड करके भी एक एग्जाम होता है, पता है आपको? कोस्ट गार्ड, असिस्टेंट बैनर बन सकते हैं। इंडिया में अगर 125 करोड़ लोग है ना, 125 करोड़, तो याद रखो इसका 1/6 पॉपुलेशन कभी भी रेलवे में रहता है, मतलब 6 में से 1 आदमी इंडिया में हमेशा रेलवे में रहता है। तो आप अगर ये 126 करोड़ पकड़े ना, तो आप या इस अंदाजन 20 करोड़ लोग हमेशा रेलवे में रहते हैं, याद रखो इंडिया में। कितने लोगों को ये बात पहली बार पता चला? यस, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क। स्पोर्ट्स कोटा भी होता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहां से भी आप रेलवे पे जा सकते हैं। कोई अगर क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, हॉकी खेलता है, उन लोगों को भी आपको रेलवे पे जॉब मिलता है। आपको बोलो ना, महेंद्र सिंह धोनी कहाँ खेलता था? अरे रेलवे में खेलता था क्या? नहीं, टिकट चेकर था वो, महेंद्र सिंह धोनी। ट्रैफिक अप्रेंटिस बन सकता है, ट्रैफिक असिस्टेंट बन सकता है, इसके बारे में SCR का एग्जाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टिकट चेकर था धोनी, जब इंडियन क्रिकेट टीम में आने से पहले रेलवे के लिए खेलता था। एनटीपीसी का फुल फॉर्म देखो, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, ये भी इंपॉर्टेंट है रेलवे के, आप मांगता तो फोटो ले सकते हैं। तो रेलवे के साथ बहुत सारे एग्जाम होते हैं, इसके सारे एंट्रेंस एग्जाम का कोचिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और इसको क्या लगता है कोचिंग के लिए, क्या लगता बोलो? इस कोचिंग के लिए मैथ्स लगता है, इंग्लिश लगता है, और एप्टीट्यूड। इसके लिए अनीस कुट्टी के लैंग्वेज में इसको मीप बोलते हैं, मीप। इसका सिलेबस बनाया हमने, ये भी पता होना चाहिए। एनडीए में भी जाने के लिए जो क्वालिफिकेशन लगता है ना, वो पता होना चाहिए एनडीए में जाने के लिए। एनडीए खड़कवासला में, पुणे में 3 साल की आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अगर आपने आर्ट्स किया तो भी जा सकते हैं, अगर आपने साइंस किया तो भी जा सकते हैं, और अगर आपने कॉमर्स किया तो भी जा सकते हैं। सिर्फ 100 रुपए के फॉर्म में, 100 रुपीज का फॉर्म होता है, आपको हर महीना 5 लाख रुपए सैलरी मिल सकता है, इतना अच्छा ऑप्शन रहता है वो। एयरफोर्स में जेट चला सकते हैं, मिग प्लेन चला सकते हैं, पायलट बन सकते हैं,
अगर आपको कमर्शियल पायलट बनना है ना तो 18 लाख रुपए फीस है, 18 लाख रुपए फीस। और इंडिया में आप जाएंगे तो खुद गवर्नमेंट आपको पैसा देगा। यस, रेलवे इंजीनियरिंग कॉलेज है वडोदरा में, बड़ोदा या वडोदरा बोलो ना, वडोदरा में वो कॉलेज है, कॉलेज का नाम है रेलवे इंजीनियरिंग कॉलेज। एनडीए के लिए सारे बच्चे एनडीए के लिए अटेम्प्ट देना है, इसके फॉर्म निकले हैं। कब फॉर्म निकला बच्चे लोग? 9 जून को फॉर्म निकला है और 29 जून उसका लास्ट डेट है और एग्जाम 5th को रहेगा। 19 साल तक एग्जाम दे सकते हैं, 19 साल तक रिटर्न एग्जाम दे सकते हैं। एनडीए के एग्जाम दो पेपर होते हैं, एक 300 मार्क का मैथ्स होता है और 600 मार्क का गैट होता है। तो जिन्होंने इंडिया का फॉर्म नहीं भरा प्लीज भरो फॉर्म, फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। अब हम लोग मेहनत करेंगे, नतीज बाद में है। इंडिया का फॉर्म निकला है, MHCT का फॉर्म निकला है, वो IIM का फॉर्म निकला है, क्लैट का फॉर्म निकला है, SSR का फॉर्म निकला है, CHCL का फॉर्म निकला है, ये सारे एग्जाम के फॉर्म भरना पड़ेगा। कुछ एग्जाम होते हैं ना जिसको टेक्निकल एंट्री बोलते हैं, ये आफ्टर 12th भी होता है, लेकिन उन बच्चों को होता है जिन्होंने साइंस लिया। आर्मी में अगर आपने टेक्निकल एंट्री किया तो आप CME में जाएंगे, नेवी में अगर आपने टेक्निकल एंट्री किया तो आप AEMALA जाएंगे, AEMALA केरला में कन्नूर में। और अगर एयरफोर्स के आप तो भी आप जाएंगे दिंडुगल। ये JEE का मार्क्स के ऊपर होता है और बोर्ड एग्जाम के ऊपर होता था, लेकिन अभी बोर्ड एग्जाम को वो लोग चेंज करेंगे। हाँ, 19 साल से पहले एग्जाम देना आपको। अगर आप शॉर्टलिस्ट होके, 3 प्रोसेस है, एक तो रिटर्न एग्जाम, उसके बाद आपका इंटरव्यू जिसको हम SSB बोलते हैं, 5 दिन चलता है, और उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस। आठ लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 8,000 सेलेक्ट होते हैं, SSB के बाद 800 और आखिरी में 400 लेते हैं, हर 6 महीने में 400 बच्चे। ये एग्जाम के बारे में कितने लोगों को पता है? ये एग्जाम के बारे में एयरमैन, ये आपको अगर एयरफोर्स में जाना है तो ये एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको ये जो है ना, इधर उसको सपने को बोला, ये 50% मार्क्स चाहिए, मतलब आपको PME में 50% चाहिए और इंग्लिश में भी आपको 50% चाहिए। जो बच्चे जो कम मार्क्स मिले उनको पुष्कर सर के पास भी फिल्टर लगा सुधर गया। पुष्कर सर का एग्जाम है ना, ये कौन बच्चे जिनको 0 मिला? पहले कविता संगीता को दो, उन बच्चों को कॉल करो। बोले एयरमैन का एग्जाम इजी रहता है, ये NDA से भी इजी रहता है। NDA का एग्जाम थोड़ा टफ रहता है, पर एयरमैन का एग्जाम है ना NDA से इजी रहता है थोड़ा। एयरमैन बनने के बाद 3 साल के बाद फिर आप वापिस से NDA में जा सकते हो। पर ग्रुप एक्स टेक्निकल भी रहता है, नॉन टेक्निकल भी रहता है। टेक्निकल भी रहता है और क्या रहता है बोलो ना, नॉन टेक्निकल भी एंट्री रहता है। वो एग्जाम में पास होना जरूरी होता है। एग्जाम में पास होना बहुत जरूरी है। इंडियन नेवी का एग्जाम है, इंडियन नेवी में जो एग्जाम है ना बच्चे लोग, इसको बोलते AA, इसका फुल फॉर्म लिख रहे हैं चैट बॉक्स में। बहुत सारे लोगों को फुल फॉर्म मालूम भी नहीं है। AA का फुल फॉर्म क्या है? और SSR का फुल फॉर्म क्या है? SSR का सुशांत सिंह राजपूत नहीं है, सेकेंडरी
सेलर रिक्रूट है। ये 10+2 लेवल पे एग्जाम होता है, बच्चा 17 से 20 साल के उम्र के बीच में दे सकता है एग्जाम। समर्थ सावंत उसका एग्जाम होता है, वो एग्जाम देने के बाद जा सकते हैं। उसका फॉर्म भरना पड़ता है, देखो एयरमैन का फॉर्म भरने के बाद ही मालूम पड़ता, फॉर्म भरो तो मालूम पड़ जाता। यस, कोस्ट गार्ड की भी अपॉर्चुनिटी होती है। अरे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है। आजकल मैंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज करके एक बुक है, न्यूज़पेपर आता है, उसमें देखा मैंने, आप आई नीड का एग्जाम देके हाइड्रोलॉजी भी सीख सकते हैं। हाइड्रोलॉजी कितने लोगों को हाइड्रोलॉजी पता है? यस, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस। ये बोलो कोस्ट गार्ड के बारे में बता रहा, देखो सुनो, कोस्ट गार्ड का एग्जाम कहाँ होता है? टेस्ट देखे जाए उसको, पहले जाए तो बैठ के टेस्ट देना, बैठ बैठ कर सामने सारे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स और बायो, जब भी सब उसको भेजने का नहीं जब तक टेस्ट नहीं दिया। उसको बोल असद सर को बुलाओ, लेक्चर लेने बोलो, अकेला शाहरुख सर के ले सकते हैं तो ठीक है ना, 5 बजे लेक्चर असद सर को बुलाओ देने के लिए। कोस्ट गार्ड का भी एग्जाम देना है, कोस्ट गार्ड का पेपर 160 मार्क का क्वेश्चन होता है, उसमें मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है। मैं हमेशा बोला रागा इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग एबिलिटी और जनरल नॉलेज, रीजनिंग अवेयरनेस और जनरल नॉलेज। और थोड़ा वो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के बारे में पूछते हैं। फोर स्टेजेस है, स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 तक। स्टेज 2 में बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन स्टैंडर्ड 1, स्टेज 1 वो फिजिकल फिटनेस के लिए बुलाते हैं, स्टेज 3 में भी बुलाते हैं और स्टेज 4 में बुलाते हैं। ये जो स्टेज 3 और स्टेज 4 है ना, INS चिल्का में बुलाते हैं। किधर है INS चिल्का? छिलका फ्रेश वाटर लेके ना, किधर है सॉल्ट वाटर लेके? INS का फुल फॉर्म क्या है मालूम होना चाहिए, INS का क्या फुल फॉर्म है? इसको जान कर इसको भी लिख दो, इसको तो बायोलॉजी ना देखो, इसको हार्ड किया के देख गर्ल्स को। फिर एक एग्जाम होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, खिदमत से खुदा मिलता है, इबादत से जन्नत। ये मिलिट्री में आप नर्सिंग के लिए भी जा सकते हैं, ये इसको MNS बोलते हैं, MNS। जनरल इंग्लिश होता है, जनरल इंटेलिजेंस होता है और साइंस होता है। 4 बार एक साल में एग्जाम होता है, कितने बार होता है बोलो ना? 4 बार। इसका एम्प्लॉयमेंट न्यूज करके एक पेपर आता है, वो खरीदा करो, उसके अंदर ये नोटिफिकेशन आते हैं, आप लोगों को पता ही नहीं चलता करके एग्जाम नहीं दे सकते। 12वीं में आपको 50% मार्क्स है तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं, पर साइंस लिया होना चाहिए। क्या लेना होना चाहिए? साइंस रहेगा तो एग्जाम दे सकते हैं। अभी गवर्नमेंट ने लड़कियों को भी पुलिस में लिया है, उसका एग्जाम है वुमन मिलिट्री पुलिस। ये मालूम है किसी को वुमन मिलिट्री पुलिस? अंबाला में, पंजाब, लखनऊ, जबलपुर, बेलगाम, पूना और शिलोंग में भी है, रैली है, उसको भागने को दौड़ने को आना चाहिए। कम से कम 10th पे 45% मार्क्स होना चाहिए। अगर गोरखा है तो सिर्फ उसको 10वीं पास होना चाहिए, बस ले ले 10 को। कितने लोग इसके बारे में, DRDO के बारे में, एनीबडी नोज अबाउट DRDO? DRDO का फुल फॉर्म मालूम है क्या? टेक्निकल का भी एडमिशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव का भी है, अलाइड कैटेगरी भी है, नॉन गेजेटेड पर्सनल भी है। इसके एग्जाम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये सब गवर्नमेंट जॉब है। आपका एज क्राइटेरिया देखो, 18 से 25 साल तक, क्लास 10th या इक्विवेलेंट एग्जाम रहता है। अगर आपने ITI किया तो भी आपको लेते हैं ITI।
कितने लोग आईटीआई मालूम है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आपको एक एग्जाम देना पड़ता है सीबीटी बोर्ड में ऑनलाइन, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है उसको, बहुत अच्छी बात है, नो नेगेटिव मार्किंग। लिखने दिया उसको, हाँ ये एसएससी का एग्जाम है, कितने लोगों को पता है ये एसएससी, ये ना सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, उसको हम एसएससी सीजीएल बोलते हैं, सीजीएल। अभी एक ग्राउंड ड्यूटी कांस्टेबल का हमारे दो बच्चे पास हुए, एक बच्चे का नाम है विपुल चौहान, पाथरडी से, चिसगांव पाथरडी। कोई पूछ रहा था ना, हर बच्चा एनडीए नहीं हो सकता, लेकिन अगर एनडीए की पढ़ाई के साथ उसने अगर एक्सएसआर दिया, उसने आर्टिफिशियल अप्रेंटिस दिया, एयरमैन एक्स दिया, एयरमैन वाई दिया, ग्रुप ग्राउंड ड्यूटी का एग्जाम दिया, तो भी वो ऑफिसर बन सकता है बाद में। याद रखो बात, सशस्त्र सीमा बल का एडमिशन अलग है, हाँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ का फुल फॉर्म है। इधर ही बैठे इसको भाग भाग सकते, इसका फुल फॉर्म कोई बताएगा क्या? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स, टिबेटन बॉर्डर फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सशक्त बल, राइफलमैन, एयरमैन भी होता है एयरमैन। ये सारे एग्जाम होते हैं आफ्टर 10th और आफ्टर 12th। ये एग्जाम के लिए भी आपको प्रिपेयर करना है। तो एसएससी कांस्टेबल रेट में क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, फिजिकल एफिशिएंसी चेक करते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड चेक करते हैं, और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं। यस, इंडियन टिबेटन, टिबेटन का स्पेलिंग रॉन्ग है, इंडियन टिबेटन बॉर्डर फोर्स, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे बारे में चीजों के बारे में लोगों को पता नहीं होता, लोग सिर्फ एनडीए समझते हैं। इसका सिलेबस में क्या क्या होता, देखो ना, कोई भी एग्जाम के सिलेबस में ये रागा आएगा, रागा, रागा का फुल फॉर्म क्या है बोलो, रागा का फुल फॉर्म क्या, रीजनिंग आएगा, अवेयरनेस आएगा, और जीए का फुल फॉर्म क्या, जनरल अवेयरनेस आएगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स तो सब जगह हम लोग पढ़ाते हैं, आप लॉ का भी एग्जाम देंगे तो आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगा, और लैंग्वेज हिंदी आने से अच्छा इंग्लिश आना चाहिए। आपका 5 किलोमीटर आपको 24 घंटे में दौड़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, दौड़ पाएंगे क्या 24 घंटे में, और लड़कियां रहेंगी तो 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना। नेक्स्ट ये देखो, ये बहुत बहुत तो हम लोगों को पता है, ये एग्रीकल्चर में भी आप एग्जाम दे सकते हैं, इसको आईसीएआर बोलते हैं, ये केरला में और साउथ इंडिया में बहुत चलता है। ये आईसीएआर एग्जाम देने के लिए आपको 12वीं का एग्जाम देना चाहिए, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए कंपल्सरी, या बायोलॉजी या होम साइंस भी चलेगा, या मैथमेटिक्स एग्रीकल्चर भी चलेगा, लेकिन कंपल्सरी फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपल्सरी है। तो आप एग्जाम दे सकते हैं, कैटेगरी के बच्चों को भी एग्जाम है, ये गवर्नमेंट जॉब दिलाता है आपको, और बच्चों लोग अभी एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आईसीएआर इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीएआर? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम। ये देखो, ये सारे एग्जाम्स आप दे सकते हैं बीएससी के बाद, एग्जाम का लिस्ट है आपको, मैं पीपीटी आपको भेज देता हूँ, ये आप दे सकते हैं। फॉरेस्ट में भी आपका एग्जाम होता है, अगर आपको रेलवे में काम करना है ना, वैसे फॉरेस्ट्री में भी आप काम कर सकते हैं, कम्युनिटी सेंटर में भी आप काम कर सकते हैं, फूड और न्यूट्रिशन में भी आप काम कर सकते हैं, आप डायटिशियन भी बन सकते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। सेरीकल्चर पता है आपको,
वो भी कर सकते हैं। डेयरी टेक्नोलॉजी गुजरात में बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें भी आप बहुत सारे चीज कर सकते हैं। ये देखो, ये और एक एग्जाम है। हाँ, ये सारे एग्जाम देना पड़ेगा एग्रीकल्चर का। हॉर्टिकल्चर में ना हम लोग फ्लावर एक्सपोर्ट करते हैं। एक रोज फ्लावर है ना 14 रुपीज का जाता है। तो बहुत सारे लोग पूरा मावल मावल पेल्ट है ना, वो फ्लावर एक्सपोर्ट करता है। फ्लोरा फ्लोरा बोलते हैं उसको, फ्लोरा। कम्युनिटी साइंस इंपॉर्टेंट है, डेयरी टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। स्टेट के बहुत सारे सर्विस कमीशन एग्जाम होता है, जैसा सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट बनना है, डीएसपी बनना है। डीएसपी समझते क्या आपको? डिप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बनना है, ईटीओ एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर बनना है, तहसीलदार बनना है। ये सब बनने के लिए भी आपको एग्जाम देना पड़ता है यूपीएससी का। जिनका आर्ट्स हो गया है 12th में, 10+12 आर्ट्स देने का और यूपीएससी का करने का। एक्साइज में भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक्साइज और टैक्सेशन में भी। बैंक का छोड़ के सारे एग्जाम का कोचिंग हम लोग कराते हैं। आप 12th के बाद हमारे पास ये सारे कोर्सेज है, ये सारे कोर्सेज के लिए आप हमारे पास आ सकते हैं। आपको अगर एसपीआई के लिए पढ़ना है, आपको एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ना है, सीएपीएफ के लिए पढ़ना है, सीआईएसएफ के लिए पढ़ना है, असिस्टेंट कमांडेंट करके एक एग्जाम होता है उसके लिए पढ़ना है, एनडीए के लिए पढ़ना है, एनए के लिए पढ़ना है, ये जो है टेक्निकल नॉन टेक्निकल एंट्री के लिए पढ़ना है, एसएसआर का एग्जाम होता है, एमएनएस ओनली फॉर गर्ल्स है तो उनके लिए हॉस्टल भी है हमारे पास। नॉन डिफेंस एग्जाम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है। एग्जाम का नाम है एनटीएससी। जिन्होंने नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम दिया ना, तो दुनिया का कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता। अभी हमारे पास एक बच्चा है जिसका स्टेज टू भी क्लियर है, स्टेज वन और स्टेज टू बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट का एग्जाम दे सकते हैं, नीट का एग्जाम देके भी आप एएफएमसी जा सकते हैं। जेडब्ल्यू का एग्जाम देके आप नामचीन कॉलेज में टेक्निकल एंट्री में जा सकते हैं, सीएमई में जा सकते हैं, नेवी के टेक्निकल सेंटर पे जा सकते हैं। और मैंने बताया केवीपीवाई का एग्जाम देके डबल आई एससीआर में जा सकते हैं आप, आपका ब्रिटिशन ढूंढने का प्रॉब्लम खत्म हो सकता। हाँ, और इंटीग्रेटेड आईएम अभी जो नया एजुकेशन पॉलिसी हो ना, एक बंदों का कहते जरा साइन नोट आ रहा है, देख जरा। अभी जो नया एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से आपका जो ग्रेड होता है ना वो 3 ग्रेड में होता है। ये सारे एग्जाम के लिए हम पढ़ाते हैं, एमटीएससी महाराष्ट्र टैलेंट सर्विस एग्जाम, एनटीएससी ओलंपियाड स्कॉलरशिप ओबी बाबा, एसपीएस सिर्फ बॉयज के लिए होता है, केवीपीवाई एनडीए, और ये सारे गर्ल्स के लिए भी एमएनएस नीट जेडब्ल्यू एरोनॉटिक। देखो हम लोग एस्ट्रोनॉमी पढ़ना भी सुनना है, कितने लोगों को पता है एस्ट्रोनॉमी का भी ओलंपियाड होता है। हम लोग एस्ट्रोफिजिक्स भी पढ़ाते हैं, एरोनॉटिक्स भी पढ़ाते हैं, एरोनॉटिक्स वो भी इम्पोर्टेंट है। नाटा पढ़ के आप आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं, आर्किटेक्चर बहुत डिमांड है फॉरेन कंट्री में। फूड एक एग्जाम मैडम भूल गई, सीपीट प्लास्टिक में टेक्नोलॉजी है, प्लास्टिक में। हमारे एक दोस्त है ताहिर भाई, उन्होंने बताया कोस्ट गार्ड का एग्जाम है, एसएससी सीजीएल है ना, एसएससी सीजीएल ग्रेजुएशन के बाद होता है, एसएससी एचसीएल है ना, ये 12वीं के बाद भी दे सकते हैं आफ्टर 12th। हमारे पास आओ, एडमिशन लो, फोन करो, हम तो आपको पैम्फलेट बना के उसके लिए हम पढ़ाते हैं आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफेंस के बहुत सारे एग्जाम है, एमएनएस सीएपीएफ सीडीएस, ये सारे एग्जाम हम पढ़ाते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है,
एग्जाम के बारे में बच्चों को मालूम होना चाहिए, जेडब्ल्यू का हो गया, नीट का हो गया, एनडीए का हो गया, आईएम का, एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए भी है। अगर कोई दुबई में पढ़ रहा है और फॉरेन कंट्री में पढ़ते हैं, अभी हमने पास यूएस यूके के बच्चे भी पढ़ते हैं, उनके लिए भी फूड अकोमोडेशन हॉस्टल के साथ होगा। लॉ का कोर्स है, लॉ इसका फोटो निकाल लो, क्लास का क्लैट का आज लास्ट डेट है, इस एग्जाम का आज लास्ट डेट है। अगर आज आपने फॉर्म नहीं भरा तो खत्म हो जाएगा। जिनका ट्वेल्थ हो गया है, चाहे वो 800 कॉमर्स और साइंस हो, वो क्लैट का एग्जाम का आज लास्ट डेट है। मेरे ट्विटर पे आपको सिर्फ लास्ट डेट मिलेगा। कॉर्पोरेट लॉ भी बहुत इंटरेस्टिंग है, याद रखो। लॉ के लिए भी हमको पढ़ना है। 90 डेज का हमारा नीट का क्रैश कोर्स है। किसी को डॉक्टर बनना है, अगर एमबीबीएस करना है तो वो कराएंगे हम आपको, बीएमएस कराना है तो वो कराएंगे आपको, बीएचएमएस कराना है तो वो कराएंगे आपको, यूनानी करना है तो वो कराएंगे आपको, एएफएमसी में ला सकते हैं आपको, वेटरनरी डॉक्टर बन सकते हैं आपको, एनिमल डॉक्टर बना सकते हैं आपको, बीडीएस करा सकते हैं। सारे के लिए नीट का एग्जाम है और हमारे पास बहुत अच्छे टीचर है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे कोर्सेज के लिए हम पढ़ाते हैं आपको। सीए फाउंडेशन भी स्टार्ट किया हम लोगों ने, तो किसी ने कॉमर्स किया उसको सीए का फाउंडेशन करना है। ये क्लैट जो है ना, लॉ करने के लिए एग्जाम है क्लैट, तो सीए भी हमने स्टार्ट किया। सीए फाउंडेशन का कोर्स, सीए फाउंडेशन का कोर्स भी अभी अनीस क्लास में स्टार्ट हुआ है, इसके लिए भी पढ़ाते हम। ये सारे एग्जाम आपको अब्रॉड जाने के लिए काम आएंगे, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, इसके बारे में मैं आपको बता होना चाहिए। ये सारे नंबर्स है, अगर आपको हमसे रब्ता कायम करना तो ये नंबर्स पे आप कांटेक्ट करना, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी डाउट है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये हमारा सोशल मीडिया के अकाउंट्स है, हम लोग फेसबुक पे है, हम लोग ट्विटर पे है, हमारा जो लास्ट डेट आता है ना वो ट्विटर पे आता है एग्जाम फॉर्म का, पिंटरेस्ट पे है, लिंक्डइन पे है, यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पे, हमारा EDCA का टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम पूरे नोट्स और हमारे PDF डालते हैं। और कोई सवाल किसी को कुछ पूछना है? जज़ाकअल्लाह खैर। और कुछ है तो आप पर्सनल चैट में मुझे पूछना। चलो,